हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, और ये आपकी क्लास 30 है। तो आज का टॉपिक है आपका यूनिवर्सिटी फॉर पीस। यूनिवर्सिटी फॉर पीस के बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिवर्सिटी फॉर पीस को हम क्यों कवर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी फॉर पीस ने एक डिग्री दी है जो कि आपकी ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री है, और ये दी गई है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने ये डिग्री जिनको ये डिग्री मिली है, जिनको ये उपाधि मिली है। और बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ पीस है ये यूएन इस्टेब्लिश्ड है। यूएन ने इसको इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशंस ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये जो डिग्री है उस डिग्री का नाम है डॉक्टर ऑनोरियस कॉजा, जिसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसको दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन द फील्ड ऑफ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं इस डिग्री को पाने वाले। एंड डॉक्टरेट की डिग्री, ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री, ये फर्स्ट इंडियन हैं जिनको यूएन ने दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन जो कि था 30/55 पास बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1980। तो 1980 में इसको पास किया गया था। और मेन कैंपस जो है इसका यूनिवर्सिटी ऑफ पीस का, वो कोस्टा रिका में है जो कि सेंट्रल अमेरिका में पड़ती है। तो जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीस बनाई गई है ये एक मिशन है, इसके अंडर में वो बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये हायर एजुकेशन का, फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस एंड द एम ऑफ प्रमोशन ऑफ पीस इन ऑल ह्यूमन बीइंग। तो इसका ये मेन पर्पस है, ये चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी का काम ये है कि ये देखें कि किस तरीके से हम पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम टॉलरेंस को एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी। तो बेसिकली यूएन का है ये यूनिवर्सिटी, इसलिए इस जो ये अवार्ड है इसकी बहुत ज़्यादा मीनिंग बढ़ जाती है। तो अगेन आई होप ये टॉपिक आप क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।